प्यारे बच्चियों, आज जो असी पढ़ांगे वो है 12वीं क्लास दा यूनिट नंबर 2 दा पहला दूसरा टॉपिक जो है वो है नट, ऑटोमोटिव नट्स। ऑटोमोटिव नट दे विच असी पढ़ांगे नट किस नूं कहा जाता है, नट दी चूड़ी दा प्रोफाइल की हुंदा है, नट किन्ने किस्मां दे हुंदे हन अते ऑटोमोबाइल दे विच नट जो हन जो हैं किहड़े पदार्थां दे बने हुंदे हन। पर बच्चों तुसीं अपने रोजाना जीवन दे विच बहुत सारे नट्स नूं देखते हो, बहुत सारे नट जो हैं अलग अलग तरह के काम दे विच वरतों विच आउंदे हन। इस दे विच असीं एक होर टॉपिक जो है डिस्कस करांगे इस यूनिट का, उसका नाम है स्टड्स। स्टड चैप्टर दे विच असीं पढ़ांगे स्टड की हुंदा है, स्टड जो है अते बोल्ट दे विच की फर्क हुंदा है। पर बच्चों स्टड अते बोल्ट दे विच बहुत फर्क हुंदा है क्योंकि स्टड जो है उसदे दोनों पासे चूड़ी हुंदी है, एक पासे पुट्ठी चूड़ी अते एक पासे सीधी चूड़ी हुंदी है। स्टड नूं जिस वस्तु दे विच भी असीं फिट करना हुंदा है, चूड़ी वाले भाग नूं उस वस्तु दे चूड़ी वाले भाग दे विच फिट किया जाता है अते दूसरे पासे जो है नट लगा के टाइट किया जाता है। स्टड जो है बोल्ट नूं अगर असीं टॉर्क करते हाँ तो वह ज़्यादा जोर लगाने दे नाल वह टुट सकता है, पर स्टड जो है एक पासे वस्तु दे विच स्थिर हुंदा है, इसलिए काफ़ी समय लई जो है वह लोड नूं सहन कर सकता है अते एक सील प्रूफ जो है जॉइंट बनाने दे विच मदद करता है। फिर असीं देखांगे ऑटोमोबाइल दे विच स्टड दी वरतों कित्थे कित्थे कीती जांदी है, स्टड जो है किन्नी किस्मां दे हुंदे हन, इन्हां बारे असीं अज जो है जानकारी हासिल करांगे। पहले बच्चों तुसीं देखे होएगा आम तौर ते असीं पहिया फिट करन दे लई स्टड दी वरतों करदे हाँ, क्यों जदकि साडे कोल बोल्ट हन असीं फिर भी पहिए लई जो स्टड ही क्यों वरतों करदे हाँ। पहले बच्चों तुहानूं पता है कि स्टड जो है हब दे विच फिट किते जांदे हन, जदों असीं गड्डी विच पहिया उतारना हुंदा है जां दोबारा पहिए नूं फिट करना हुंदा है तां असीं आराम दे नाल जो है ट्रकां जां बसां दे विच ज़्यादातर जो है आराम दे नाल पहिए नूं सपोर्ट करके उस दे स्टड दे उस सुराख नूं स्टड दे नाल अलाइन करके असीं आराम नाल पहिया फिट कर सकते हाँ। अगर इस जगह ते असीं बोल्ट दी वरतों करांगे तां सानूं जो है एक भारे पहिए नूं वार बार उठा के उस दे जो है सुराख जो हन उस सुराखां दे नाल हब दे सुराख दे नाल अलाइन करने पैणगे, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। इस काम नूं आसान करन लई ज़्यादातर गड्डियां दे विच हब दे नाल जो है पहिया फिट करन दे लई स्टड दी वरतों कीती जांदी है, क्योंकि स्टड जो है इस काम नूं बहुत ही आसान तरीके नाल करदे हन। अगर असीं बोल्ट दी वरतों करांगे तां सानूं जो है पहिया उठाउण दे विच काफ़ी मुश्किल दा सामना करना पवेगा, इकल्ला बंदा जो है गड्डी विच पहिया फिट नहीं कर पाएगा। इस काम नूं आसान करन दे लई जो गड्डियां बनाउण वाली कंपनियां हन पहियां दे लई जो है स्टड दी वरतों करदियां हन। पर बच्चो हुण असीं पढ़ांगे ऑटोमोटिव नट की हुंदे हन। इस पाठ विच असीं पढ़ांगे ऑटोमोटिव नट की हुंदे हन, नट विच चूड़ी दा प्रोफाइल की हुंदा है, नट किहड़े पदार्थां दे बने हुंदे हन, नट दीआं किस्मां किहड़ी किहड़ी हुंदियां हन। पर बच्चो जिस तरह कि तुसीं चित्र विच देख रहे हो बोल्ट दे विच चूड़ी जो है बारे हिस्से विच हुंदी है, पर नट दे विच चूड़ी जो हुंदी है इस दे अंदर नहीं चूड़ी हुंदी है, अंदरले हिस्से विच चूड़ी हुंदी है। एक नट एक चूड़ीदार शेक वाला किस्म है, नट लगभग हमेशा एक बोल्ट दे उल्ट हिस्से दे स्टैक नूं जोड़ के रखने लई वरते जांदे हन। कहने तों भाव यह है नट जो है बोल्ट दे हमेशा दूसरे पासे लगदा है, एक पासे बोल्ट दे हैड हुंदा है दूसरे पासे नट लगाया जांदा है। नट चूड़ी दे विच प्रोफाइल की हुंदा है, दो तार दे हिस्से विच शामिल होण लई नट नूं बोल्ट उत्ते भेज दिता जांदा है, इसलिए थ्रैड प्रोफाइल बोल्ट अते नट नूं मेल करना चाहिए है। प्यारे बच्चों जदों भी तुसीं नट बोल्ट की वरतों कर रहे हो अगर नट जो है इंच वाली चूड़ी का है तो बोल्ट भी इंच वाली चूड़ी का ही लगेगा, अगर नट जो है MM चूड़ी का है तो बोल्ट भी MM चूड़ी का ही लगेगा। इस गल का ध्यान रखना है, अगर तुसीं उल्ट जां गलत साइज़ के नट नूं किसी बोल्ट उत्ते चढ़ाओगे तो वह जो है बोल्ट उत्ते स्लिप हो जाएगा,
उस दे थ्रेड नू भी खराब कर देवेगा, क्योंकि देश में असी मैट्रिक चूड़ी की वरतों करते हाँ जिसनों MM थ्रेड कहते हाँ। बोल्ट नाल वरत्या जा रहा नट विच भी मैट्रिक थ्रेड ही होना चाहिए है। बोल्ट और नट की पिच भी जरूर बराबर होनी चाहिए है। प्यारे बच्चों ये भी देखना है कि बोल्ट दे नट जो है तो मोटी चूड़ी का है जां ब्रेक चूड़ी का है, दोनों सेम होने चाहिए हैं। उसे ही होर पिच वाले नट बोल्ट ते पेच नहीं किया जा सकता। नट दे बोल्ट समान समग्री के बने होंगे। अगर प्यारे बच्चों बोल्ट तुहाडा पित्तल का है तो नट का भी नट भी पित्तल का ही लगेगा। अगर बोल्ट तुहाडा प्लास्टिक का बनया होया है तो नट भी प्लास्टिक का ही लगेगा। जिस तरह का बोल्ट का मटीरियल है उसका ही उस तरह का ही नट जो है उस विच लगाया जाएगा। जो अलूमोनियम पित्तल तांबा प्लास्टिक स्टील सख्त स्टील स्टील अलॉय अते टाइटेनियम दे आते हैं। प्यारे बच्चों अगे आता है नट दी किस्म हैक्स। हैक्स तो भाव है जो असं छे मूँह वाला नट भी कह देंगे हाँ। इस दे जो है छे फलक होंगे हैं, 2, 3, 4, 5 ते 6। एक हैक्सागन नट एक किस्म की तात फास्टनर है। इस दे छे पासे होंगे हैं, ज़्यादातर नट एक छे पासे शकल दे कट्टे जाते हैं क्योंकि ये पकड़न विच सौखाकार जापता है। क्योंकि प्यारे बच्चों इसनों आसानी नाल जो है बिना स्लिप किते खोलिया जा सकता है अते टाइट किया जा सकता है। इसकी पकड़ मजबूत होंगी है। हैवी हैक्स, हैवी हैक्स नट जो है स्टैंडर्ड तो थोड़े बड़े अते मोटे होंगे हैं। उन्हां दी सुरक्षित पकड़ अते हंडर सहारता करके आम तौर पर बड़े व्यास अते उच्च ताकत बोल्ट कार्ज लई वरत्या जाता है। हैवी हैक्स जो होंगे ये भी छे फलक वाले होंगे हैं। इन्हां दी वरतों जो है हैवी जगह पर की जाती है जिथे लोड जो है ज़्यादा होवे, जिथे लोड ज़्यादा पाना होवे उत्थे असीं हैवी हैक्स की वरतों करते हाँ। अगे आता है नायलोक नट। इस तरह नट प्यारे बच्चों तुसी ज़्यादातर शाफ्टां विच देखे होंगे, प्रोपेलर शाफ्ट दे विच जां ड्राइव शाफ्ट दे विच, जिथे असी जो है इस दे विच एक नायलोक का पदार्थ लग्या हुंदा है। जो असी एक बार इस नट नूं टाइट कर देंदे हाँ ये नट खुलदा नहीं है। अगर असी इस नट की दोबारा वरतों करनी है तो सानू नवा नट ही लगाना पवेगा, क्योंकि इस दे अंदर जो नायलोक मटीरियल हुंदा है एक बार वरतों करन दे बाद दोबारा वरत्या नहीं जा सकता, क्योंकि उस दिशा दे विच नट दे खुलन दे चांस ज़्यादा हुंदे हन अगर असी सेम नट नू दोबारा वरतों करते हाँ। एक टॉर्क प्रचलित नट जो कि लॉक मुहैया कराने लई नायलोन आउंदी है। एक लॉक विशेषता यह है, दावा किया जाता है कि नायलोक दाखल पानी तेल पेट्रोल पैराफीन अते सीपेज दे विरोधशील करन विच सहायता करता है। ये जो है नायलोक नट जो है ये सीलिंग का काम भी करता है, पर शर्त यह है कि इस नट नूं जदों असीं दोबारा वरतों करनी है नवा नट ही लगेगा। जैम नट, जैम नट प्यारे बच्चों ये शब्द कई बार पतले नट दी वरत्या जाता है जिसनों मोटे नट नूं लॉक करने लई वरत्या जाता है। जदों एक इस तरीके नाल इस्तेमाल किया जाए तो पतले नट नूं मोटे नट दे नाल विरोध सख्त सतह नूं लगना चाहिए है। प्यारे बच्चों ये की हुंदा है, एक पतला नट जो है एक हैवी बोल्ट नाल लगा हुंदा है दोनों नूं असीं ओपोजिट टाइट करते हाँ वह नट जो है लॉक हो जाता है जिसनों असीं लॉक नट भी कहते हाँ। प्यारे बच्चों ये तुसीं ज़्यादातर देखा होगा मोटरसाइकिल के शीशे जां जो एक्सीलेटर तार हुंदी है उस दे उत्ते भी नट क्लच वाले तार ते भी लॉक नट लग्या हुंदा है। जां प्यारे बच्चों तुसीं ये लॉक नट जो है इत्थे भी दो नट लगे हुंदे हन, जिस तरह कि तुसीं मोटरसाइकिल दे एक्सल दे विच जदों असीं इस नूं जो है चैन टाइट करते हाँ उत्थे भी दो नट लगे हुंदे हन जिन्हां नूं ओपोजिट टाइट किया जाता है। जां कई वारी एक्सल दे उत्ते दो नट नूं लगा के टाइट किया जाता है ताकि वह आपस में ना खुलन, जिसनों असीं लॉक नट भी कहते हाँ। एक नट जो है पतला हुंदा है, एक नट जो है मोटा हुंदा है। अगे प्यारे बच्चे आता है विंग नट। इस तरह नट प्यारे बच्चे तुसीं ट्रक बसों के एयर फिल्टर जिते लगा हुंदा है उत्थे देखा होगा, जो घर के अगर किसी घर स्टोव है स्टोव के उपर जो है जिते असी तेल पाते हाँ उत्थे भी इस तरह के नट की वरतों की जाती है। इस नट की वरतों असी क्यों करते हाँ, क्योंकि इस नट नूं हाथ दे नाल बिना किसी टूल के खोलिया जां टाइट किया जा सकता है। विंग नट जां विंग नट की किस्म है जिस विच दो बड़े धातुआं हुंदियां हन, इसलिए इस नूं आसानी नाल बिना किसी औजार के टाइट जां लूज किया जा सकता है। अगे आता है कैप नट। इस नट के उत्ते क्या खासियत है, क्योंकि
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੂੜੀ ਹੈ ਥਰੈਡ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਟੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਪਟ ਕਵਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਟੱਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਪ ਨਟ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਚੂੜੀ ਹੈ ਥਰੈਡ ਜੋ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਥਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਸੰਪਰਕ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਪ ਨਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਥਰੈਡ ਸਟੱਡ ਅਤੇ ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਦ ਵਰਗੇ ਕੈਪ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ ਥਰੈਡ ਐਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਰਿੰਜ ਨਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਿੰਜ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਵਾਸ਼ਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫਰਿੰਜ ਹੈ ਇਹੀ ਵਾਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਰਕੂਲਰ ਬੇਸ ਪਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਕੜ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਾਰਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੈਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਸੁਰਾਖ ਹਨ ਉਹ ਅਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੁਰਾਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਟ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਰਿੰਜ ਵਾਲੇ ਨਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕੇਅਰ ਨਟ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਨਟ ਇੱਕ ਚਾਰ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਟ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਕਸ ਨਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਰਗ ਨਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਢਿੱਲੇ 'ਤੇ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਗ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲਟ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਨਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਟ ਵੀ ਵਰਗਾਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਪਲਿੰਗ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੋ ਥਰੈਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਪਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਉਲਟੀ ਚੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਚੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਥਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਭਾਰੀ ਥਰੈਡਸ ਓਬਜੈਕਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਰੈਡਡ ਰੋਡ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪਲਿੰਗ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਲੋਟਡ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ਾਫਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਪਿੰਨ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਲੋਟਡ ਹੈਕਸ ਨਟ ਸ਼ਿਖਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਲੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਕਸ ਨਟ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਸਲੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲੋਟ ਕੁਆਟਰ ਟਾਈਪ ਪਿੰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਲਿਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਬੇਰਿੰਗ ਪਹੀਏ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਟ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਟ ਕਿਸ ਪਦਾਰਥ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਟ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਟੱਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਟੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਟੱਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਟ ਅਤੇ ਸਟੱਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਟੱਡ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਟੱਡ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੱਡ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੂੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੂੜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੂੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੱਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫਾਸਟਨਰ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਥਰੈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਾ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਟ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਟੱਡ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਟ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਟੱਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਬਲ ਐਂਡ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਫਾਸਟਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਟੱਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੰਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸ਼ੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਟਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
हुण प्यारे बच्चे अगे आउंदा है बोल्ट अते स्टड विच की अंतर है। जैसे तुसी देख रहे हो बोल्ट दे एक पासे हैड हुंदा है अते दूसरे पासे चूड़ियां हुंदियां हन। बोल्ट नूं आम तौर ते थ्रेड फास्टनर वजों परिभाषित किया जाता है जिसका उस देश नट दे नाल मिलाउणा है। जो भी असीं बोल्ट की वरतों करते हाँ उस दे नाल नट नूं जोड़ के ही उसनूं टाइट किया जाता है। पर स्टड एक बाहरी थ्रेड हैंड लैस फास्टनर है। एक सिरा आम तौर पर टैपड़े हिस्से जोड़ता है तो दूजा सिरा नट नाल। एक जो है हैड तो बिना फास्टनर हुंदा है। इसे दोनों पासे चूड़ियां हुंदियां हन। एक पासा जो है असीं थ्रेड वाले ग्रूव दे विच पाउंदे हाँ अते दूसरे पासे नट की वरतों करते हाँ। इस तरह तुसीं जो है स्टड जो है सिलेंडर हैड दे विच भी देख सकते हो। असीं स्टड की वरतों क्यों करते हाँ? स्टड वधेरे सही टॉर्क दे मुल प्राप्त करन दी समर्था प्रदान करते हैं क्योंकि बोल्टां वांग कसन वेले मरोड़दे नहीं हन। क्योंकि तुहानूं पता है जो असीं बोल्ट उत्ते ज़्यादा टॉर्क लाने हाँ बोल्ट टुट जाता है क्योंकि नट ते कसन वेले स्टड स्टेशनर रहिंदे हन क्योंकि स्टड का एक सिरा जो है उस वस्तु के थ्रेड होल दे विच हुंदा है इसलिए वह स्थिर रहिंदा है वह जो है मरोड़ी नहीं खाता है। इकले एक धुरे विच फैलते हैं बहुत ज़्यादा ते सही कलैंपिंग बल प्रदान करते हैं। स्टड दिख जो हैं इस नाल जो है ज़्यादा वस्तु नूं कलैंपिंग पावर जो है मिलती है जिहदे शक्ति नाल जो है वह जोड़ नूं पकड़ के रखता है। अगे प्यारे बच्चे आउंदा है स्टड दीआं किस्मां। पहिए दे स्टड जिसे तुसीं देख रहे हो ये जो स्टड हैं इन्हां नूं असीं गड्डी दे पहिए दे स्टड कहिंदे हाँ। पहिए दे स्टड थ्रेड फास्टनर हैं जो बहुत सारे वाहनों के पहिया नूं फड़दे हैं। वह अर्ध पक्के तौर पर सीधे तौर पर वाहन हब विच आम तौर पर ब्रेक ड्रम जां ब्रेक डिस्क नाल जोड़िया जाता है। इस नूं जो है ब्रेक डिस्क दे नाल जां ब्रेक ड्रम दे नाल इस नूं असीं थ्रेड नूं जोड़दे हाँ। एक थ्रेड दे विच की हुंदा है ये थ्रेड दे विच चूड़ी हुंदी है जां दूसरे पासे ब्रेक ड्रम दे इस नूं वैल्डिंग किया जाता है ताकि ये स्थिर रहन। पहिया स्टड किन्नी किस्म दे हुंदे हन? स्क्रूइन टाइप दे जिसके दोनों पासे चूड़ी हुंदी है। स्क्रूइन स्टड नूं सधारण तौर पर हब विच मौजूद चूड़ीदार सुराख विच लगाया जाता है। अंत हब विच जो पेच है आम तौर पर जां वधेरे सहनशीलता नाल जोड़िया जाता है। कैमिकल थ्रेड लॉकिंग तरल पेच नूं हब विच फिट रखने लई जां स्थापित करने लई जदों लोग नट नूं हटाया जाता है लई वरत्या जाता है। जदों वी असीं स्टड नूं हब दे विच लगाउणा है इस विच इक जो है लॉकिंग जो है तरल पदार्थ आउंदा है उस विच पाया जाता है जो उसकी पकड़ नूं थ्रैड दे विच मजबूत करता है अते इस सिरे नूं असीं हब दे थ्रैड वाले पोर्शन दे विच जोड़दे हाँ। अगे प्यारे बच्चे आउंदा है पेयर स्टड एक होर किस्म है प्रेस फिट। इस नूं असीं की करने हाँ जदों भी इस तरह थ्रैड लगाना हुंदा है इहदे विच स्लोट बने हुंदे हन जो हब दे विच जो है स्लोट बने हुंदे हन उस नूं जो है हमेशा जो है ड्रम उतार के ही गड्डी विच फिट किया जाता है। प्रेसिंग स्टड डिस्क या ड्रम हब के पिछले पासे तो स्थापित किए जाते हैं। प्रेसिंग स्टड इंस्टॉलेशन ज हटाने लई डिस्क ज ड्रम हब नूं बाहां तो हटाना पैंदा है क्योंकि ये बाहां जो स्टड हैं ये जो है ड्रम नूं उतार के या डिस्क नूं उतार के ही प्रेस फिट किए जाते हैं। हथौड़े नाल सट मार के ही ये फिट किए जाते हैं। ये जो धारियां हैं ये दूसरे पासे जो इतने स्टड फिट करना है उस धारी नाल मेच खा जांदियां हन। वह एक चूड़ीदार भाग अते वड्डा व्यास वाला हिस्सा हुंदे हन जिसनू नल कहा जाता है। धारियां जो घूमन नूं रोकण लई वरतियां जांदियां हन। यह धारियां जो हैं दूसरे पासे गड्डी दे ड्रम दे विच जो धारियां हैं उन्हां विच फिक्स हो जांदियां हन अते स्टड नूं घूमन तों बचाउंदियां हन। नल दा व्यास हब दे मोरी तों वड्डा हुंदा है जिसनू सीट दे बैठण लई एक प्रेस फिट दी लोड़ हुंदी है। एक वड्डे व्यास रोक दे स्टड नूं हब दे द्वारा खिंचन तो रोकिया जाता है। बहुत प्रेसिंग स्टड बिना किसी नुकसान के सही बैठने लिए मकैनिकल या हाइड्रोलिक प्रेस नाल स्थापित किए जाते हैं। अगे प्यारे बच्चों आता है इंजन स्टड जिसका तुम देख रहे हो ये इंजन के मेन बैरिंग नूं स्थापित करने लिए लगाए जाते हैं। ये इंजन ब्लॉक के जो क्रैंक केस हुंदा है उस विच लगाए जाते हैं। एक प्रदर्शन जां हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन लई जदों भी संभव होवे
ਮੁੱਖ ਕੈਬ ਬੋਲਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਮੇਨ ਕੈਪ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਸਟੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਥਰੈਡ ਵੀਅਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਲੌਕ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥਰੈਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਰਿਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਲੋਏ ਬਲੌਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੋਏ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨਟ ਬੋਲਟ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੈਡ ਜੋ ਹਨ ਭੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਟੱਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੱਡ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡ। ਸਿਲੰਡਰ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈੱਡ ਗੈਸਕਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੈੱਡ ਸਟੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈੱਡ ਗੈਸਕਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ ਸਟੱਡ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਟੱਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਟ ਅਤੇ ਸਟੱਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਟੱਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ, ਨਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਟ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਟੱਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੱਡ ਅਤੇ ਬੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੱਡ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।